पुलिस जहां एक ओर हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती है, वहीं सामाजिक कामों को करने में भी पीछे नहीं है। इसी के चलते आज इंद्री पुलिस ने अपनी मुस्तैदी व तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक बुजुर्ग की जान बचाने का काम किया है। बुजुर्ग इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर के पानी में फंसा हुआ था। नहर के किनारे पर जंगल बना हुआ था जहां से निकल पाना संभव नहीं था। इस बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने बिना किसी देरी के इंद्री थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को बचाने में कामयाब हो गए। बुजुर्ग को पानी से निकालकर इंद्री के अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी देते हुए इंद्री पुलिस प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से एक सूचना मिली कि इंद्री की पश्चिम जमुना नहर में एक बुजुर्ग आदमी पानी में फंसा हुआ है। इस बात की सूचना मिलते ही उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर फौरन मौके पर पहुंचे और नहर में फंसे बूढ़े आदमी को काफी मुशक्कत के बाहर निकाला। हम लोगों ने रेस्क्यू टीम को एकदम तैयार किया और वहाँ पे मौके पर पहुंचे जहाँ पे वो जगह थी, वो बिल्कुल झाड़ियों से और पेड़ों से ढकी हुई थी और बड़ी मुश्किल से उनको, जो कि जो बुजुर्ग थे काफ़ी नहर में अंदर फंसे हुए थे, उनको हमारी टीम के सहयोग से निकाला गया वहाँ से और उनको तुरंत हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया। अब वो अंडर ट्रीटमेंट है। तो पता लगा कि कहाँ गए बुजुर्ग? अभी जो बुजुर्ग हैं अभी अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि करनाल से हैं। जैसे उनको थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे तब उनसे पूछ के उनको सही जगह पर पहुँचाया जाएगा। तो अभी ठीक हैं? हाँ, फिलहाल ठीक हैं। से जाट टीवी न्यूज के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।